बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रैप टू। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की जद में आ रहा है। प्रदूषण से खराब होती हवा को देखते हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप टू की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। यह आदेश AIQ लेवल 300 से ज्यादा होने पर जारी किए गए हैं। इसी बीच क्या कुछ पाबंदियां लागू होंगी, चलिए जानते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगी ग्रैप टू की पाबंदियों के मुताबिक प्राइवेट गाड़ियों को कम करने के लिए गाड़ियों की पार्किंग फीस को बढ़ाया गया है। डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चलाए जाएंगे। नॉन पीक आवर में कम से कम एक दिन छोड़कर पानी के छिड़काव के साथ धूल बिठाने वाले केमिकल का भी छिड़काव होगा। लोगों को खासतौर पर निजी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। वहीं CPCB के आंकड़ों के मुताबिक 21 अक्टूबर को शाम 4 बजे 24 घंटों का औसत AQI 310 दर्ज किया गया था। इसी बीच शहर के 36 निगरानी स्टेशन में से 26 स्टेशन रेड जोन में हैं। इन स्टेशन में आनंद विहार, बवाना, द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका, नरेला, पटपड़गंज, रोहिणी, शादीपुर, सोनिया विहार, वजीरपुर, अलीपुर, अशोक विहार, आया नगर, बुराड़ी, मंदिर मार्ग, मुंडका और अन्य शामिल हैं। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी शुरुआत कार्यकर्ताओं के साथ ITO की रेड लाइट से की। इस अभियान के तहत उन्होंने गाड़ी चालकों से रेड लाइट होने पर गाड़ी का इंजन बंद कर प्रदूषण कम करने में अपना योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली वालों को दिल्ली के बाहर से आने वाले प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है।